हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? एंड आई होप यू आर रेडी फॉर योर इंग्लिश क्लास। बच्चों कैसे हो आप? और आप बुक लेके बैठे होगे हमारी इंग्लिश की क्लास के लिए, ओके? तो आज हम लोग लेसन नंबर 2 में जो पोएम है वो मैं आपको करवाऊंगी, और पोएम और उसकी एक्सरसाइजेस हम आज करेंगे, ओके? और हमारे पोएम का नाम है डॉग लवर्स, मतलब जो डॉग है, डॉगीज रहते हैं, उनके छोटे बच्चे रहते हैं, वो हम लोगों को डॉग्स बहुत पसंद रहते हैं। बहुत से लोगों को डॉग पसंद रहते हैं, और बहुत से लोग अपने घर पे भी डॉग्स है, कैट है, पैरट्स रहते हैं, वो सब एनिमल्स एज ए पेट अपने घर पे रखते हैं। तो हम लोग हमारा जो पोएम है उसको स्टार्ट करेंगे। पोएम का नाम है द डॉग्स डॉग लवर्स, ओके? सो दे बॉट यू and kept you in a very good home, central heating। यहाँ पे first paragraph में poem का जो writer है वो बोल रहा है कि आपको लाया उन लोगों ने अपने घर, और आप लोग आपको एकदम अच्छा, बहुत अच्छा घर आपको दिया, जो central heating मतलब जो हमेशा गर्म रहता था। TV, a deep freeze, a very good home, no one to take you for that lovely long run। मतलब बहुत अच्छा था, वहाँ टीवी था, फ्रिज था, और एक बहुत अच्छा घर था, और वहाँ से आपको कोई वहाँ से निकालने वाला नहीं था कोई भी, और आपको कहीं भागा दौड़ी भी नहीं करनी थी। बट अदरवाइज अ वेरी गुड होम, दे फेड यू पॉल एंड टम, बट नॉट दैट लवली लॉन्ग रन अंटिल मैड विथ एनर्जी एंड बोर्डम। मतलब वो इसमें राइटर लिख रहा है कि आपको हर चीज़ थी, बहुत अच्छा घर था, वहाँ को वहाँ जो आपको खाना था वो भी बहुत अच्छा मिलता था, और लेकिन वो था कि आप ज़्यादा भागा दौड़ी या बाहर कहीं भी घूमने फिरने या ऐसा कुछ आप नहीं जा सकते थे। अंटिल मैड विथ एनर्जी एंड बोर्डम, मतलब आपकी एनर्जी कहीं यूज़ नहीं हो रही थी और उसकी वजह से आप बोर हो रहे थे। यू एस्केप एंड रैन एंड रैन एंड रैन अंडर ए कार, टूडे दे विल क्राई फॉर यू, टुमोरो दे विल बाय अनदर डॉग। मतलब वो बोलते हैं कि आप वहाँ से भाग, इतना सब आपको आराम था, हर चीज़ मिल रही थी, तो भी जो डॉग रहता है वो वहाँ से भागता है, बहुत भागता भागते वो एक गाड़ी के नीचे, कार के नीचे आ जाता है, और कार के नीचे आ जाता है और मर जाता है। तो वो जो जिनका वो पेट था उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो थोड़े दिन याद करके रोएंगे, आपको याद करेंगे, और उसके बाद में जो पेट्स रखते हैं तो वो तो ज़रूरी रहता है, तो वो एक दूसरा पेट, नया पेट वो ले लेंगे, ओके? ये पोएम में आपको पेट डॉग के बारे में बताया और उसकी लाइफ के बारे में बताया किस तरीके से रहता है, लेकिन वो अच्छी लाइफ रहता था तो उसको पसंद नहीं थी, और वो घर छोड़ के भागता है, और घर छोड़ के भागता है तो उसकी वजह से वो एक कार के नीचे आ जाता है और मर जाता है। और डॉग के जो डॉग्स लवर थे उनको पेट तो दूसरा चाहिए था, तो वो दूसरा पेट ले लेते हैं। हमारे साथ में भी बच्चों आपको भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपको भी आपके घर से बाहर कभी भी आप निकलते हो या कहीं जाते आते हो तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए बच्चों को अकेले कहीं भेजने के लिए पेरेंट्स रेडी नहीं रहते। ये डॉग की बात है या कोई भी बात दूसरी भी, हम भी कभी ऐसा होता है कि आप लोग अगर कहीं भाग रहे खेल रहे हो या भाग रहे हो, आपका ध्यान नहीं है तो आपको भी चोट लग सकती है। अब हम ये जो पोएम है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ये फिल इन द ब्लैंक्स है और इसके यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए हैं, वो राइट ऑप्शन मैं आपको लिख के बताऊंगी। द वर्ड यू इन द फर्स्ट लाइन रिफर्स टू, मतलब पहली लाइन में जो वर्ड है वो किसके बारे में बता रहा है, तो वो बता रहा है हमारे को द डॉग। वो वर्ड हमारे को डॉग के बारे में बता रहा है। सेकेंड, द डॉग लवर्स लिव्ड इन ए, जो डॉग लवर्स थे वो लोग कहाँ पे रहते थे, कौन सी जगह पे, कैसी जगह पे रहते थे, तो वो आएगा हॉट कंट्री, मतलब गर्म प्रदेश। हॉट प्रदेश मतलब गर्म प्रदेश, जैसे राजस्थान हमारा है, रेगिस्तान वाला जो एरिया रहता है वो बहुत वहाँ पे गर्मी होती है। थ्री, द डॉग लवर्स गेव देयर डॉग, मतलब जो डॉग लवर्स थे वो जो उनको डॉग कुत्ते बहुत पसंद थे वो अपने डॉग को कैसा खाना देते थे, तो आएगा रिच फूड, मतलब वो लोग अपने डॉग को बहुत अच्छा खाना देते थे।
फोर्थ है द डॉग रैन अवे बिकॉज ही वॉन्टेड, वो डॉग उनको छोड़ के क्यों भाग गया था, क्योंकि उसको बाहर भागना था और उसको खेलना कूदना था और आज़ाद रहना था, इसके लिए ए लॉन्ग रन, ए एल ओ एन जी लॉन्ग आर यू एन रन, ओके। फाइव द डॉग लवर डिडेंट नो हाउ टू, तो यहाँ पे आएगा द डॉग लवर डिडेंट नो हाउ टू फीड द डॉग या कीप द डॉग, तो आंसर आएगा कीप द डॉग, मतलब वो जो डॉग लवर्स थे उनको डॉग को किस तरीके से रखना था वो उनको नहीं आता था, ओके। तो ये हमारे आंसर्स थे फिल इन द ब्लैंक्स के, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज जो है वो करेंगे, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं वो हमको ये ब्लैंक्स में मैंने जैसे लिखे आप देख रहे हो ये चूज करके और यहाँ पे से लिख रहे थे जो मैंने आपके लिए लिख दिए। ये जो चार पांचों वर्ड्स है ये डेथ मतलब मौत, डेथ ये भी वो ही होता है, ये सभी मौत के जो डेथ रहती है हमारे जो मर जाते हैं हम लोग उसको अलग अलग सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज़ करते हैं वो लिखा हुआ है। ये चार पांचों के मीनिंग एक ही है मतलब मौत, वो कब हुई कैसे हुई कैसे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको आंसर लिखने पड़ते हैं। जैसे व्हेन डिड देयर डॉग डाई मतलब उनका कुत्ता कब मरा था, मरा था उसमें आया मरा था बराबर। फिर बाद में देयर ओल्ड डॉग डाइड लास्ट इवनिंग, उस उनके कुत्ते की मौत एक दिन पहले हुई थी, तो इसमें अब यहाँ मरा था डाई को बोल रहे और डाइड मतलब उसकी मौत हुई थी। फिर बाद में थ्री द पुअर डॉग वॉज डाइंग ऑफ हैंगर हंगर बराबर, तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो द डॉग वॉज डाइंग विथ हंगर मतलब भूख से मर रहा था, वो इंसान मरा हुआ नहीं उसको बोलते, इसमें डाइंग का मतलब मरना नहीं होता है लेकिन भूख से हम लोग कितनी बार बोलते हैं कि बहुत भूख लगी से ऐसे करके, तो वही भूख से मरना ये मरना और वो हम जो मौत बोलते हैं वो दोनों अलग है। दे फाउंड देयर डॉग डेड दिस मॉर्निंग, उन लोगों को उनका कुत्ता मरा हुआ सुबह में देखा उन लोगों ने, ओके। यहाँ पे ये जो डेड है उसको हम लोग बोल रहे हैं मरा हुआ पाया उन लोगों ने कुत्ता या उनका कुत्ता सुबह में मरा हुआ था। फाइव द डेथ ऑफ देयर डॉग वॉज ए बिग शॉक फॉर देम, यहाँ पे डेथ का आ रहा है कि उनको उसकी मौत जो डॉग की मौत हुई थी वो उसके लिए उन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक लगा था। अगर अचानक किसी की कोई ऐसी बात हम लोग सुन लेते एकदम शौक की तो हमको भी अफसोस होता है, तो उनके कुत्ते की मौत से उनको बहुत शौक लगा था। तो यहाँ पे फाइव वर्ड्स पूरे मौत के बारे में ही है लेकिन वो अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है हमारा जो इंग्लिश है हमारा उसमें यही रहता है कि वर्ड्स बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन सेम रहते हैं लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं। और हमेशा हम लोगों को वर्ड्स अगर आप एक वर्ड अगर कोई आप लेते हो तो उसको आप डिफाइन या उसका मतलब आप नहीं बता सकते हो क्योंकि वर्ड्स अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। वो आपको ग्रामर में भी आप लोगों को हम लोग से जो लेसन सेंटेंस है उसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया और अब आगे भी आपको जब ग्रामर का सेशन लेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे। तो एक वर्ड के दो मीनिंग हो सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकता है लेकिन उनकी जो रिटन जो अल्फाबेट्स रहते हैं वो अलग रहते हैं। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें मैंने आपको पोएम करवाई और ये जो उसकी एक्सरसाइजेस थी वो करवाई। तो आप लोगों के होमवर्क में ये रहेगा कि आप लोगों को जो पोएम है वो 3 times आपको लिखनी है आपके होमवर्क बुक में और उसके फोटोज़ आपको जो 3 numbers दिए हुए उसमें सेंड करने हैं। और एक बात ध्यान रखिए आप लोग के जो पोएम है वो आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाली है, 5 marks की पोएम रहेगी, इसके लिए पोएम आप लोगों को लर्न करना कंपलसरी है। तो होमवर्क आपका यही रहेगा कि 3 times आपको पोएम लिखनी है और लर्न करनी है। और ये एक्सरसाइजेज जो मैंने करवाई है इसके मैं आपको फ़ोटो भी सेंड करूँगी और आपको ये एक्सरसाइज नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। आपको ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है और अगर आपको ये मैंने जो समझाया वो अगर आपको पसंद आता है तो आपको इसको लाइक करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो आप जो नंबर दिए हुए या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है
आप डायरेक्टली मुझे फ़ोन करके या व्हाट्सएप में फ़ोटो सेंड करके आपकी क्वेरीज आप मुझे पूछ सकते हो, और वो मैं आपके लिए हो सकेगा उतना पॉसिबल होगा उतनी जल्दी मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी। तो ओके, अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में हमारे लेसन नंबर 2 के साथ में। तो ओके, बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।